काश बेटों को पता चलता कि उनका बाप उनको खुश देकर कितना इत्मीनान हासिल कर रहा है। या अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। क्या यार बाबा, क्या है? आप कभी भी आ जाते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं मेरी बात सुनने के लिए। ये क्या मतलब है इसका? अपनी उम्र को लेके क्या मतलब है यार? मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, इस घर से। क्या है यार ये? बेटा बात सुनिए, आखिर हुआ क्या है? मुझे इतना भी हक नहीं है कि आपको खुश देकर मैं खुश हो जाऊं। आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। बस माफ करे खुदा के लिए मुझे। अल्लाह मेरे बेटे को सिराते मुस्तकीम। यार बाबा के साथ मामला ठीक नहीं है क्या? क्या पता है सब कुछ? पूछने की क्या जरूरत थी यार? आरिफ ये तुम कर रहे हो गलत है, सुलझाओ मामला को। यार आरिफ कदर करो बाबा की, पूरी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब आपको उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आरिफ मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आज जल्दी घर आ जाओ। क्यों हुआ सर? हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। यार मैं मना नहीं हूँ, अभी घर आ जाऊँगा तो कुछ कर लूँगा, आप जाइए आप। यार कोई ऐसे बात करते बाबा से, जब वो चले जाएंगे ना तब एहसास होगा। छोड़ अंकल, क्या हुआ कि मैं आपका भतीजा हूँ? आपके भाई ही का तो बेटा हो, मैं हूँ ना आपके साथ। बेटा आरिफ गलत सिमत जा रहा है, मुझे उनकी फिक्र है। उसके अंकों में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, बात बात पे मुझसे लड़ता है। अंकल आप बीमार हैं, आप तकलीफ ना दे खुद को, मैं उनको समझाऊंगा। क्या जरूरत है रोना चाहने की? वो दोस्त है मेरे, क्या सोच रहे होंगे कि मैं लेट कर जाता हूँ तो क्या करता पूरी रात भाई? वो तेरे दोस्त है, वो खूब जानते हैं कि तू कहाँ होता है। तुम्हें जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी ड्रामा रचाने की भाई? अरे शर्म कर, तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। शट अप, मुझे पता है कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। तुम होते कौन बीच में बोलने वाले? हाँ खिलाओ मैं, वो मेरा बेटा है, वो बात कर सकता है मेरे लिए। ठीक है, आपको ये मान ये जायदाद और हाँ ये बेचार मुबारक, साफ साफ बताते चलूं कि मैंने शादी कर ली है और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। बेटा मेरी बात सुनिए, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो? मैं दोबारा जाऊंगा आपके बगैर। नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं है। रोने की क्या जरूरत है और मेरी क्या जरूरत है? आपके पास है ना आपके यहां आपका बेटा। और हाँ एक और बात, अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत हो तो किसी भी टाइम आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे अगर जरूरत है तो आपकी प्यार की जरूरत है। बेटा एक ख्वाहिश पूरी करोगे? नहीं। क्या क्या करूं? एक दफा गले मिलोगे, नाश्ता कर लोगे? आई एम सॉरी। इतना लॉस कैसे हो सकता है? एक मुसीबत चली जाती है तो दूसरी उनकी जगह ले लेती है, दोस्त भी साथ नहीं दे रहे। पहले बाबा की मुसीबत और अब बाबा। यार बाबा की याद क्यों नहीं आई? बाबा से तो मैं बात कर सकता हूँ, वो भी तो मदद कर सकते हैं किसी भी हाल में, कभी भी। उनसे क्यों ना बात करूं?
रहा हूँ, ये बार बार कॉल कर रहा है, मेरे बाबा से तो बात करने दो। जी फरमाइए, क्या मसला है यार? मैं बार बार काट रहा हूँ, आप फिर कर रहे हैं। बाबा से बात करने दो यार पहले, मैं बिजी हूँ ना, आपको पता होना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम यार? बाबा से बात करने दो, फिर आपको करता हूँ। बाबा बात करने के काबिल नहीं रहे आरिफ। क्या मतलब यार, तुम हर वक्त मजाक करते हो, मूड नहीं है मेरा मजाक करने का, बिजी हूँ मैं, टेंशन है मुझे, टेंशन। बाबा की डेथ हो गई यार। बकवास बंद करो, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो तुम? पता है तुम्हें तुम क्या कह रहे हो? क्या बक रहे हो तुम? सीरियस हो सके तो आखिरी दीदार के लिए आ जा। और वो वसीयत की थी कि तुम मौत के बाद उनका चेहरा नहीं देख सकोगे, इसलिए आज तुम उनका चेहरा नहीं देख सकोगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते, मेरे बाबा ऐसे नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो अली, तुम क्यों कुछ बोल रहे हो? तुम कुछ क्यों नहीं कहते अली? बोल रही झूठ बोल रहे अली, मेरे बाबा ऐसे नहीं हो सकते। तुम क्यों कितने सालों बाद कर अली, क्यों नहीं छोड़ रहे मुझे? तुम कितने सालों लोग हो यार, सिर्फ एक बार तो उनका चेहरा देख ले दो ना अली यार। तुम बताओ ना, फिर तुम बताओ क्यों झूठ बोल रहे? तुम बताओ अली यार, क्या जुर्म हो रहा है यार? नहीं यार, वो सच सच कह रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सच कह रहा है यार। मैं बर्बाद हो गया, मैं